जो आज मुझे ड्यूटी दी गई है वो ये है कि रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप एक लम्हे के लिए फ्री हो जाएं ज़हनी तौर पे। इससे मुराद ये है कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, आपका क्या स्टेटस है, उसको एक दफ़ा ज़हन से निकाल दें। और दूसरा ये है कि फ्री थिंकिंग करें, आप डिस्कशन करें और बात करें ताकि चीज़ें कम्युनिकेट हो सकें। ये कोई ज़बरदस्ती वाला लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपसे डिस्कशन है कुछ मामलात पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चंद लम्हे अपने लिए निकालेंगे, अपनी ज़ात से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इससे पहले कि हम हैं, तो मेरा आज हम जो प्राइमरी गोल है वो ये वही है, रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ डॉक्टर इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, लिमिटेशंस एंड वे फॉरवर्ड्स, जिसको दुनिया मसीहा के नाम से याद रखती है। कोई अंदाजा है मसीहा का क्या मतलब है? ओल्ड टेस्टामेंट में आया है, पहली दफा अल्लाह ताला ने हजरत ईसा के लिए वर्ड यूज किया। इसका मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में ये है, ओल्ड टेस्टामेंट से मुराद है जो ओल्ड बाइबल है, उसमें ये इसका मतलब है। एक ऐसी सेक्रेट स्पेस, एक ऐसी सेक्रेट स्पेस जहां इंसान और उसके रब का ताल्लुक। तो इसको स्पेशल सर्विसेज का नाम बाद में दिया गया। तो सेक्रेट स्पेस जैसे नमाज की जगह, तो मसीहा को वहां रखा गया है। तो ये है वो स्पेस जो डॉक्टर की जिंदगी, ये उसकी कहानी, उस सेक्रेट स्पेस की कहानी है जो किसी डिप्टी कमिश्नर को नहीं मिला, ना किसी डीपीओ को मिला, ना किसी चीफ मिनिस्टर को मिला, डॉक्टर के लिए स्पेस, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया और अल्लाह ने खास पेशाए मसीहाई पर एक खास फंक्शन। तो यह आज उसकी कहानी है, उस डॉक्टर की कहानी है जो कहीं गुम हो गया दुनिया के इन मामलात के अंदर। तो ये उस मसीहा की कहानी है जिसका ताल्लुक रब से है, ये उसकी कहानी, उसकी हर सर्विस का ताल्लुक रब से। तो आज हम उसी की कहानी समझने की कोशिश करेंगे, उसकी कहानी, डॉक्टर की कहानी, उस मसीहा की कहानी। आखिर मसाइल आते क्या हैं और हैं क्या, कुछ चीज़ें हैं जिसके क्वेश्चंस रेज करूंगा, कोशिश करूंगा सवालात उठाने की, कि हम जाएं और जाकर सोच सकें कि ना बैठ कर कि कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, और क्या हम सोच रहे हैं तो कैसे सोच रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ बात कर सकें। तो ये कुछ एलोज मैंने बनाए हैं कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ इंटीग्रेट कर क्या होती है मेंटल हेल्थ, टॉलरेंस, ठहराव, रुकावट, रुकना, जल्दी में नहीं होता। मेंटल हेल्थ जिनकी अच्छी होती है वो जल्दी में नहीं होते हैं, दे हैव अ रेजिलियंस, उनमें ठहराव होता है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का फायदा क्या है? नहीं हो, अगर है तो क्या फायदा है, नहीं है तो क्या नुकसान क्या होगा? बहुत सारी डिजीजेस के बारे में, जिनको डिप्रेशन होता है, उनको डायबिटीज हो जाती है, उनको डिप्रेशन हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, फलाना हो जाता है, फलाना हो जाता है, ये तमाम तो आपको एज ए डॉक्टर पता है, इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बींग दी डॉक्टर, आप और हम जो बैठे हैं, हम सब माशाल्लाह एक ही कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, क्यों मैं मेंटल हेल्थ बेहतर करूं, क्यों? इसमें एक शेयर के सुधर पर ध्यान दो। जी जी इरशाद। खुश हो तो वीरानों के सन्नाटे भी, दिल अगर खुश हो तो वीरानों के सन्नाटे भी, दिल ही उजड़ जाए तो शहरों में भी तना जाए। वाह, टू बी मोर प्रोडक्टिव। दुनिया में बड़ा काम किया गया कि मेंटल हेल्थ क्यों बेहतर, यूरोप ने क्यों काम किया, उन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है भाई। तो प्रोबेबली हमें ये लगता है
कि मैं अगर सारा दिन ये चीजें चेक करता रहूंगा तो चीजें बेहतर हो, ऐसे नहीं बेहतर होती। मेंटल हेल्थ पे काम नहीं है, इसका मतलब है मोटिवेशन नहीं है, इसका मतलब है सोसाइटी डीमोटिवेट हुई हुई है। तो मैं ये चीज नहीं देख पा रहा हूँ। एक स्टूडेंट है एबसेंट हो रहा है क्लास से, मुझे उसको सजा देने का शौक हो गया, लेकिन मैं ये देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो क्यों एबसेंट हो रहा है, उसके अंदर डीमोटिवेशन क्यों है। तो हसास मुआशरे जो है वो उनके नजदीक मोटिवेटेड होना ज्यादा अहम है। आपका जो वर्क फोर्स है वो कितनी मोटिवेटेड है, अगर मोटिवेटेड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर है, वो काम बेहतर कर रही है। कि यहाँ मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आखिर कोई इंडिकेटर्स होंगे ना कि हम मुआशरे में कैसे जाने, कुछ स्टडीज तो नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं प्राइमा फेसिया एक ओपिनियन लेना चाहते हैं कि ये सोसाइटी में मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम हुआ हुआ है, इन लोगों में बड़े जबरदस्त रिलीजियस रेजिलियंस है, और है रेजिलियंस है, चाहे कोविड आया कोई भी मामला आए, सोसाइटी ने रेजिलियंस दिखाई, सोसाइटी में दम है। देखें कैसे कि मेंटल हेल्थ के क्या हालात हैं, और जो डिससेटिस्फाइड होता है वो क्या करता है, एग्रेशन शो करेगा, इंटॉलरेंट होगा, और क्या करेगा, क्राइम करेगा, ड्रग्स आएंगे, और क्या होगा, ये सारे काम करेगा। तो मेरी, ये मेरी अपनी रिफ्लेक्शन है, आई माइट बी रॉन्ग, कि दो काम वो जरूर करता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई कोई इंथ्यूजियाज्म नहीं होता ना, जो एडवेंचरस सोसाइटी नहीं है, जो डिप्रेस्ड सोसाइटी है, वो दो काम फिर करना शुरू कर, या वो खाती है या बच्चे पैदा। सारी बीमारियां आप देखते जाए, सारी बीमारियों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन देखते जाए, ये इन दोनों चीज़ों से है। खाना, खाने में करप्शन भी आती है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते जाए कि भूख नहीं खत्म होती। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह छठे से पांचवा पॉपुलस कंट्री बन गया, गायनी वाले चीख चीख के थक गए, एच बी कम हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही, उनको नहीं कर पा रहे वो, क्यों, क्योंकि दो काम ही दो रह गए सोसाइटी के पास। और ये ब्रेन का कौन सा एरिया है जो ये काम करता है, लिम्बिक, ये है लिम्बिक कॉर्टेक्स, एमिग्डाला का, तो ब्रेन का एक सेंटर है एमिग्डाला, उसका यही काम है। तो हम यही बात करना चाह रहे, ये है वो डेफिनेशन, वेल बीइंग क्या है, ये WHO ने डेफिनेशन जो बनाई है कि रियलाइजेज हिज पोटेंशियल, ये आपने बात कर ली, कोप करना नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, ये नहीं कहा अवॉइड, ये नहीं बात की गई, हम लिखते अवॉइड स्ट्रेस, WHO भी नहीं कहता, कोप करना प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, क्या ये काम कर पा रहे हैं हम, कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है हमारी, कम एबल टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर ओन कम्युनिटी, ये है WHO की डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की। तो आज हम यही बात शायद करेंगे बस, और कुछ सवालात ही करेंगे, कोई इसमें कोशिश नहीं करूंगा मैं कि कोई आपको इस तरह की स्लाइड कोई और आए। तो ये एक सिर्फ आपके लिए एक, मैं एक बेंच मार्क दिखाया WHO का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं इसके। अच्छी है या हम खाते हैं तो भी हम कोई काम कर सकते हैं, तो मतलब एज अ सोल पार्ट तो मेरे ख्याल से बैड मेंटल हेल्थ के लिए नहीं है, इसका कुछ पार्ट या सिलेक्टेड पार्ट गुड मेंटल हेल्थ के लिए भी हो सकता है। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाना तो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज किया है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म, खाने से मुराद दो तरह के खाने हैं, दाल खाने से पेट भर जाता है, बर्गर खाने से दिल नहीं भरता। इसके ऊपर एक पूरा एक न्यूट्रिशन के ऊपर एक पूरा न्यूट्रिशनल का क्या ताल्लुक है मेंटल हेल्थ के साथ, क्यों नहीं भरता। दाल खाएंगे तो आप 10 को बुला लेंगे, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, और दीन में जो एम्फेसिस है वो है सादा खाना, क्यों सादा खाना है, क्योंकि इससे पेट भर जाता है। इसलिए बर्गर ओरिएंटेड सोसाइटी डिस्करेज की जाती है, क्योंकि उससे पेट नहीं भरता, यानी हवस खत्म नहीं होती। तो जितना आप चीजों को सिंपल करते जाएंगे उतना आपका ताल्लुक जमीन से होता जाएगा, और उतने उतनी आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती जाएगी। आप खुद सोच लें, दाल खाने वाला चार को बुला लेगा,
और सबको दाल पूरी आ जाएगी, बर्गर वाला छुपके आएगा लेकिन उन नजर ही ना आए। तो ये इस तरह का है, बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा, इसके दोनों फॉर्म। लेकिन इसको हमने जिस तरीके से ईडी में यूज कर रहे हैं वो एक लम्हा फिक्री है। वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन तो नहीं है, मर्दाना कमजोरी है। आप जिस दीवार पर देखें ये बात लिखी हुई है, तो दिस शोज द, शायद मेरी नजर उस जगह पर है जो मैं, कि जितने चांसेस होंगे प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के, मींस के आप उतने चांसेस बर्न आउट होने के कम है। अगर प्रोडक्टिविटी बेहतर है तो मींस लेसर चांसेस ऑफ बर्न आउट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बस बात नहीं करनी मुझसे, यानी आप उसकी शक्ल से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज बर्न आउट सोसाइटी और नॉट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि बर्न आउट जितना ज्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। हम वो मेजर्स ले रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बेहतर कर पाए और बर्न आउट कम कर पाए। तो दुनिया में जितना काम किया गया उसकी रीजन ये है कि जब उन्होंने मेंटल हेल्थ पे काम किया वर्क फोर्स पे तो उनकी 12% प्रोडक्टिविटी बेहतर हो गई। यूके और यूएस में क्यों काम किया गया, कि उनको लगा कि लोग छुट्टियां बहुत लेते हैं तो उन्होंने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू कर, जो ही मेंटल हेल्थ पे काम हुआ प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई, तो एब्सेंटिज्म का रेट जो है वो कम हो। इम्पोर्टेंट है थिंग सोचना, हम सोचें, लेकिन मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए सोचना बड़ा जरूरी है। प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, तो मेरे ख्याल है कि इससे ज्यादा अच्छी इज्तमाही सोच नहीं बन सकती कि हम क्या सोचें, क्या टिप्स हैं हमारे लाइफ में। एक कुछ 5 चीजें हैं जिस पर हमें सोचना है, नॉन जजमेंटल, और इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि, लेकिन कहानी है यहां तक पहुंचने की, जिसे मसीहा, अभी हमने कहा मसीहा इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी हो सकता है, इमोशनली नॉन इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। और ऐसे जजमेंट क्या होती है, जज क्या फैसला देता है, या आप गिल्टी हैं या आप गिल्टी नहीं। डॉक्टर को मैंने जब आपसे कहा नॉन जजमेंटल हो, तो मींस उसके जहन की जो मेकअप है वो क्या सही है क्या गलत है में ना हो, और ये assumption हम बड़ी जल्दी बना लेते हैं। ऐसे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी, ऐसे assumption बना, हाँ देखा ना ये बंदा ठीक नहीं, ये हमने दे दी क्या जजमेंट, इसको देखा, हाँ देखा ना मैं कहता था ये बंदा ठीक नहीं, ये मेरी आ गई assumption, तो मैंने एक जजमेंट पास कर दी। ये बड़ा खतरनाक है, ये यूं समझ लें जहरे कातिल है मेंटल हेल्थ के, ये नॉर्मल सोच नहीं है। ये मैं आपसे बड़े वसूख से कहा, आप जाके एविडेंस भी देख लें सारा। तो बहुत सारी बात की गई है कि जजमेंट पास करना इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसको हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या तमाम चीजें सही है या गलत है। तो ये कॉग्निटिव एरर है, ये साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठी है, कि जब हम किसी को जजमेंट देखते हैं ब्लैक और व्हाइट में, तो इट्स अ कॉग्निटिव एरर, ये सोच की गलती है, ये ठीक नहीं है। इट कैन लीड टू वन सेल्फ टू द एग्रेशन, डिप्रेशन, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, बर्न आउट। देखा मैं कहता था ना वो बंदा ठीक नहीं है, उन्होंने फिर भी ये काम दी जा रहे हैं मुझे, वो बंदा ठीक, देखा ना मैं कहता था ये नहीं है, देखे देखो कैसा खुशामदी है ऊपर चला जाता है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं भी पढ़ता हूँ, वो भी पढ़ती है, लेकिन वो क्योंकि अंग्रेजी अच्छी बोलती है तो उसे बोल रहा आता है, उस पर आप मार्क्स मिल जाते हैं, उस पर मुझे नहीं मिलते। तो मैं कहा डोंट यू थिंक इट्स अ स्किल, इट्स एन एड ऑन स्किल। जाके सोचो एक पढ़ना लिखना भी आता है उसे और बोलना भी आता है, क्या मैं उतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूं तो मुझे जाके रट्टे नहीं मारने, मुझे पढ़ा मैंने ठीक हुआ है, मुझे लगता है मुझे अपनी एंग्जाइटी मैनेज करनी है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। तो दिस इज वॉट आई एम सेइंग, एक ही चीज है, मैं आपके सामने गिलास रखूं आधा खाली आधा भरा हुआ, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, दोनों ही ठीक, लेकिन थिंकिंग गैप है ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। तो ये जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो ये है, और ये है बॉर्डर लाइन थिंकिंग, जल्दबाजी नहीं करता। तो मेनली चीज ये है कि मेंटल हेल्थ अगर आपने बेहतर करनी है, नॉन जजमेंटल होने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जल्दबाजी ना। जितने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पाई जाती है।